जैसे कि आपने देखा कि वो अपने परिवार का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन देश का बलिदान नहीं देंगे। कैप्टन रविश का परिवार सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरे हिंदुस्तान का परिवार है। I'm proud of you, my son. I'm proud of you. बहुत मुस्कुरा रहे हो ना तुम सब? खड़ा करो इन सबको यहां, यहां। चलो। बड़े मी, आपका पोता तो आपको बुढ़ापे में ही बेसहारा छोड़कर चला गया, वो भी मरने के। बुरा तो लग ही रहा होगा आपको। क्यों? तकलीफ होती अगर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उस सूरत में मुझे मानना पड़ता कि वो मेरा खून नहीं है। आज मेरे बेटे ने मेरे दूध की लाज रख ली और अपनी परवरिश की भी। तुम्हें क्या लगा था जीनत, हम सबकी मौत का डर दिखाओगी उसे और वो अपने देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाएगा? तुम उसे समझी ही नहीं। और क्या लगा था तुम्हें कि हम सबकी आंखों में मौत का डर झलकेगा? तुम हमें भी नहीं समझी। ध्यान से देखो हमारी आंखों में का एक कतरा भी नजर नहीं आएगा तुम्हें। और जिस जमीन पर तुम खड़ी हो, उस जमीन ने भगत सिंह और उधम सिंह को बनाया है। भले ही हमारे यहां के बच्चों को लड़ाई करने की ट्रेनिंग ना मिले, लेकिन शहादत विरासत में ही मिलती है। आप लोग अगर हमारी आंखों में डर देखने का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। अब एक बात तो पक्की हो गई जिनत, तो जो चाहे वो कर ले, लेकिन तेरी वसीम के साथ जश्न मनाने वाली पार्टी तो कैंसल हो गई। हाँ, और जब मैं मारता हूँ ना, मैं बहुत मारता हूँ, पहले बता रहा हूँ, मैं भी जवान। जिनत, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही हो तुम? हिम्मत है तो चलाओ गोली। जो लोग बिलक बिलक कर अपनी जान की भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों को मारने में क्या मजा? मजा तो ऐसे लोगों को मारने में आता है जो सीना तान के खड़े। उनको मारने में तो एक अपना ही नशा होता है। बेवकूफ, एक मौका दिया था उसे और उसने वो भी गवा दिया। अब कैप्टन को
बहुत जल्दी पता चलेगा जब उसके पास कोई अपना कहने के लिए इस परिवार का कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। गौर से सुनो तुम सब, वक्त आ गया है कि अब हिंदुस्तान को हमें एक ऐसा पैगाम भेजना है जहां पर हर एक बाशिंदा 100 बार सोचे फौज में भर्ती होने से पहले। हर परिवार, हर खानदान अपने बच्चों को फौज में दाखिला होने की सलाह तक ना दे। और ऐसा खौफ और ऐसी दहशत पैदा करनी है कि जो आने वाली नस्लें वो वर्दी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। आपकी टीम के पास तो गन है, हमारी टीम के पास तो गन है ही नहीं। हमको भी तो दे दो गेम है ना। हाँ बच्चे, हम खेल ही खेल रहे हैं। थैंक यू। पर मौत का खेल, नहीं 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 आंटी, उसको मत मारो, मुझको मार दो, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। ये पूरा का पूरा खानदान लगता है पागल है, क्योंकि यहां हर कोई एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तुम नहीं समझोगी दीना, ये हर हिंदुस्तानी की आदत होती है। अच्छा चल फिर देख लेते। नहीं 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 आंटी, उसको मत मारो प्लीज, मुझको मार दो। नहीं अथर, हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। अम्मी इन सबको छोड़ दो, ये लोग बहुत अच्छे। अपनी जुबान बंद रखो तुम, और एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। अगर एक अल्फाज भी निकला ना तो गोली मार दूंगी। जीनत भी जरा बाहर नजर डालिए, ये फौजी किसी और फिराक में है। बहुत सारे कमांडर और मिलिट्री वाले आए हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये हमारा वक्त बर्बाद करने का एक तरीका था, और ये लोग अंदर ही अंदर हम पर हमला करने की साजिश कर रहे थे। सब अपनी अपनी जगह ले लो। ए, चल तू अंदर, चल 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 अंदर।
आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। हमें इनका मुकाबला करना होगा। इनकी गन्स छीनकर खिड़की के बाहर फेंकनी होगी। लेकिन इनकी गन्स बाहर फेंके हम करेंगे क्या? मेरा डैडी जी ये कहना चाहते हैं कि हम सबके सेफ रहने का बस एक यही तरीका है। जब तक घर में एक भी गन है, गोली कभी भी चल सकती है। इसलिए सबसे पहले इन्हें निहत्था करना होगा। हमें निहत्था करना क्या इतना आसान है? मेरा कहने का मतलब है दादाजी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? बिल्कुल तुम भूल रहे हो, मैंने फौज छोड़ी है, लेकिन फौज मेरे अंदर से रिटायर्ड नहीं हुई है। हम इनका मुकाबला करेंगे और डट के करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे, लेकिन सरेंडर किसी कीमत पर नहीं करेंगे। जी हाँ डैडी जी, हम लोग सब लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। बेटा जी, आप घर में जो भी बॉटल्स वगैरह हैं और लड़ाई का जो भी सामान है उनको इकट्ठा कर, मैं डिफेंस की पोजीशन को जाकर ठीक करता हूँ। जी विविता, स्टोर में जितनी भी खाली बॉटल्स है ना, सबको कलेक्ट कर लो। और विपुल, जितने भी भारी बर्तन हैं और जितनी भी नुकीली आइटम्स हैं, वो सब यहाँ ले आओ। भूमि, स्टोर में जितना भी तेल है सब यहीं ले आओ। और आप सारी वायर्स इकट्ठी कर लीजिए यहीं पर। चलो आज इन टेररिस्ट को भूनते हैं। और मैं क्या करूं? विविता, इसका ख्याल रखना। आप कहाँ जा रही है? मुझे अभी सुजाता जी को ढूंढना है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।